व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। देखो कॉस्ट शीट में हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, लेबर वाला किया था, इसके पहले मटेरियल वाला किया था, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को एलोकेट किया था। अब कॉस्ट शीट में क्या होगा, एक प्रोडक्ट को बनने में जितनी भी कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसकी हम बनाएंगे कॉस्ट शीट नाम देंगे उसको, ठीक है, लागत पत्र बोलेंगे। याद रखना, कॉस्ट शीट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट होती है तो उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट शीट। आपके बुक में एक कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट दी होगी, देखो स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोफॉर्मा देख लो सब, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट। है सबको मिला? नहीं मिला यस तो मैम, मिल गया। अब देखो नेक्स्ट हम समझेंगे। यहाँ पे देखो एक ड्रॉ करती हूँ मैं टेबल, देखो सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे उसमें, रॉ मटेरियल। तो किसी भी चीज़ का उसमें क्या ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे किसका, रॉ मटेरियल का। सीक्वेंस में आएंगी चीजें और इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, हम इस सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद उसमें हमेशा क्या ऐड करेंगे, जो भी हमने परचेज किया है, और परचेज किसका, वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल का, याद रखना। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे दुनिया भर के, ठीक है, लेकिन वो सब किसके रिगार्डिंग होने चाहिए, रॉ मटेरियल के परचेज के रिगार्डिंग। तो मैंने ऐड लिखा है, इट मीन्स अब मैं सब ऐड करते जाऊंगी, है ना। एक्सपेंसेस किसके रिगार्डिंग, जो परचेज के रिगार्डिंग है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक में जब हम परचेज ऐड करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं, लेस, क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, अंतिम रहतिया बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा, वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल का, याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखना ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस। हाँ कभी कभी जो डिफेक्ट निकलेगा, लेकिन डिफेक्ट भी किसके रिगार्डिंग, सिर्फ मटेरियल्स वाला, तो वो क्या करेंगे इसमें, माइनस। याद रखना हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसके सीक्वेंस में सबसे पहले रॉ मटेरियल है, तो दुनिया भर का जो भी ऐड होगा माइनस होगा वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग यूज होगा, ठीक है। डिफेक्ट्स माइनस होता है, रेसिड्यू ये भी माइनस होगा, जो अदर प्रोडक्ट्स में यूज होता है बचा हुआ सामान, रेसिड्यू जो वेस्ट बच जाता है, रेसिड्यू, और जो दूसरे प्रोडक्ट में यूज होगा, तो इस प्रोडक्ट में तो वो यूज नहीं हो रहा है इसलिए इसको क्या कर देंगे यहाँ से, माइनस। तो ये माइनस करने के बाद एक कॉस्ट आएगी, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और जब ये कॉस्ट आएगी, है ना, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगी, इसके बाद रॉ मटेरियल में क्या ऐड करते हैं, लेबर और वेजेस। तो जब ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो आप इसमें ऐड करेंगे हमेशा क्या, डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जब भी लेबर या वेजेस आप ऐड करेंगे, याद रखना लेबर चार्जेस भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, याद रखना।
ठीक, तो जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ये सब ऐड हो जाएगा, उसके बाद कौन सी कॉस्ट निकलती है बताओ? प्राइम प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट। यहां तक सीक्वेंस समझने में कोई डाउट है तो पूछो। हमेशा हम एंट्री इसी सीक्वेंस में करेंगे, ये चीज याद रखना आप लोग हमेशा। ये जो प्राइम कॉस्ट है ये सिर्फ इसी सीक्वेंस में ही हम एंट्री करेंगे। कहीं डाउट कुछ? नो मैम। ठीक है, ये देखो, ये अमाउंट के कॉलम में ये रहेगा। अमाउंट के कॉलम में भी अब देखो दो चीज करेंगे। अब अपन ये देखो, तो मैं अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, याद रखना दो कॉलम इसलिए बना रही हूं इसमें। एक कॉलम में हमेशा रहेगा कॉस्ट पर यूनिट। क्या रहेगा? कॉस्ट पर यूनिट रहेगा। सपोज जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख रही हूं, तो जो सेकेंड कॉलम रहेगा ये हमेशा रहेगा अपना कॉस्ट पर यूनिट। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये 10,000 यूनिट्स का कुछ बन रहा है ना सपोज, तो हम क्या करेंगे इसमें? 10,000, और सपोज यहाँ कॉस्ट में 2 रुपए भी आ रहे हैं। सपोज ये रॉ मटेरियल अगर 2,000 का है और हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये सब पूरा का पूरा 2,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स का है, तो हम क्या करेंगे? उस 2,000 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। क्लियर हुआ? देखो प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें ऐड होगा, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स ही ऐड करेंगे, याद कर रखना। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को एक और नाम बोलते हैं वर्क ओवरहेड, कारखाना परिव्यय, है ना। वर्क ओवर हेड्स में आप लोगों के पास अगर बुक है तो देखो इसमें दुनिया भर की लिस्ट होगी। सपोज इनडायरेक्ट वेजेस, हमेशा याद रखना ऊपर जब रॉ मटेरियल में हम जो भी कॉस्ट ऐड करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल में हमने जो भी कॉस्ट ऐड की, जैसे लेबर हो गया, वेजेस हो गया, प्रोडक्टिव वेजेस, ये सब डायरेक्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी कॉस्ट ऐड होगी वो हमेशा इनडायरेक्ट होगी, तो ओवरहेड्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो इसमें देखो इनडायरेक्ट वेजेस ऐड हुआ, फिर क्या ऐड करते हैं इसमें? बहुत सारे हैं, इसमें फ्यूल है, फिर क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? पावर, कोल, लाइट एंड वाटर। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, पूरा आपको प्रोफॉर्मा याद करना है। फिर जैसे सपोज क्या है, इंश्योरेंस है, फिर क्या है इसमें? रेंट ऑफ फैक्ट्री है, फिर क्या है इसमें? देखो डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री पे, रिपेयर्स। तो जो भी फैक्ट्री से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होंगे ये पूरे के पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। और जैसे ये हो जाएगा तो इसके बाद देखो क्या ऐड करते हैं, ये सब ऐड ही करना है। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, याद रखना। ओपनिंग स्टॉक किसका? वर्क इन प्रोग्रेस, याद रखना। WIP करके दिया होगा कभी कभी, या वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक को जब अपन ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर लेस करेंगे हम क्या इसका? क्लोजिंग स्टॉक। क्या ऐड करेंगे अपन इसमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को क्या बोलते हैं आप लोग? चालू कार्य का रहतिया, याद रखना। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. तो ये ओपनिंग को प्रारंभिक लिखना, चालू कार्य का प्रारंभिक रहतिया, और क्लोजिंग स्टॉक का आप हिंदी में लिखना चालू कार्य का अंतिम रहतिया। हमेशा याद रखना प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होंगी उसके बाद क्या ऐड करेंगे उसमें? ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दो तीन बार यूज होगा, बट आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कौन सा कब। जैसे सपोज ये जो मैंने ऊपर यहाँ यूज किया था रेड स्पॉट फॉलो करो, ये देखो ये रॉ मटेरियल है जो भी है ना, तो ये रॉ मटेरियल वाला ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में, लेकिन फैक्ट्री में कौन सा वाला यूज करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसकी या इनमें से कोई भी पॉइंट की तो हम उनको स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज कोल का अमाउंट नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेट करने बैठ गए, नहीं नहीं है तो छोड़ दो। सपोज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस का तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है इसमें? सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई कचरा सेल ऑफ स्क्रैप होता है तो फिर हम उसको इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो लेस क्या करेंगे? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद हमारे पास एक कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को बोलते हैं अपन फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है क्या? मैं दूसरा शीट लूं? Yes, ma'am. है ना? Yes. कहाँ तक दिख रहा है? वो लेस सेल ऑफ स्क्रैप का दिख रहा है। सेल ऑफ स्क्रैप तक दिख रहा है। बस उसके बाद नहीं दिख रहा है ना? ओके okay. नहीं दिख रहा है। तो देखो सपोज फैक्ट्री कॉस्ट आया है ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉ मटेरियल में हम डायरेक्ट लेबर वेजेस यू ऐड करते हैं तो वो बन जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? वर्क कॉस्ट, है ना। अब नेक्स्ट देखो इसमें अब देखो यहां तक मैंने बताया था, इसके बाद हम क्या करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करेंगे। यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे अपन, याद रखना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए लिखना ओवरहेड्स, ठीक है। ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे। तो अब देखो इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस से रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट होगी, सपोज लीगल हो गए, लीगल एक्सपेंसेस, या अगर डेप्रिसिएशन है तो ऑफिस बिल्डिंग का। उसके पहले मैंने जो डेप्रिसिएशन दिखाया था आप लोगों को, ये देखो रेड स्पॉट देखो, ये देखो ये डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री है ना, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री इंश्योरेंस, लाइट एंड फैक्ट्री, तो यही सारे सेम एक्सपेंसेस एक ऑफिस की बिल्डिंग के भी हो सकते हैं। तो आपको उसमें से अलग करना पड़ेगा कौन से ऑफिस के हैं और कौन से फैक्ट्री के। तो कंफ्यूज्ड मत होना कि दो दो बार सेम पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं। लीगल एक्सपेंसेस के बाद देखो ऑफिस एक्सपेंसेस, के बाद ऑफिस सैलरीज, ठीक, फिर ऑफिस लाइटिंग,
ये सब इसमें एक्सपेंसेस ऐड होंगे है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी ऑफिस के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सब। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या है, फीस ऑफ डायरेक्टर, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स, तो ये सब एक्सपेंसेस होंगे। रिपेयर्स होगा तो वो भी ऐड करेंगे। अब देखो फिर से ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक, फिर से प्रारंभिक रहती है लेकिन कौन सा वाला, देखो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, फिर क्या इसमें से लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा, फिर क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां तक कहीं डाउट है किसी को? बताओ कोई डाउट है? इसको बोलना तैयार माल का प्रारंभिक रहतिया और तैयार माल का अंतिम रहतिया, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स को तैयार माल करके लिखना। क्लियर हुआ यहां तक? yes. कोई डाउट है यहां तक कि कहां कहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिक्कत है? जैसे ही इसमें ये सब ऐड हो जाएगा तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड है ना। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, ठीक, तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना कि उसमें ये सब ऐड है। क्या फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या ऐड किया उसने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो देखो ये सब फॉर्मूले भी बनते हैं कि अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। ये सब याद रखना आप लोग। फिर नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक पूरी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को बनने के लिए जो भी कॉस्ट यूज होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग से रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस, सपोज एडवर्टाइजमेंट हुआ, डिस्काउंट हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, सेल्समैन कमीशन हुआ, सेल्स के रिगार्डिंग जो भी अमाउंट, फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है किस पे, डिलीवरी वैन्स पे। देखो थ्री टाइप्स का डेप्रिसिएशन हम डिस्कस की, एक ऑफिस बिल्डिंग, एक फैक्ट्री बिल्डिंग, और ये जब सेल्स के रिगार्डिंग जो डिलीवरी वैन्स है उन पे है ना। फिर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेब्ट्स अगर हैं कुछ तो, वेयर हाउस रेंट गोडाउन का है ना, तो वो सब इसमें आएगा। तो इसमें ये सब जब ऐड करेंगे तो वो बनेगी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें जब हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, तो वो अपना बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूले भी बनेंगे, क्वेश्चन कभी कभी हमको बैक में लेकर भी सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। उल्टा जब चलेंगे तब अपन, सपोज आपको देखो यहां तक कोई डाउट है प्रोफॉर्मा में, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। याद रखना हम जब भी एंट्री करेंगे प्रोफॉर्मा वाइज एंट्री करेंगे, कुछ डाउट है कहीं तो पूछो।
कहीं डाउट है? यस मैम, है ना? यस मैम. तो देखो, तो ऐसी सिचुएशन पे ना, तो जो अपना ऑफिस कॉस्ट है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि अमाउंट क्या है, दोनों की सेम है. तो जो कॉलम नहीं दिया है उसको बस ब्लैंक छोड़ते जाना और टोटल को बस कैरी करते जाना, है ना? ऐड है तो ऐड करना, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक. अब सपोज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमको दिए ही नहीं है, और डायरेक्ट वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या निकलेगी अपनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी कि नहीं? यस मैम, निकलेगी. यस मैम, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक. अब फिर उसमें प्रॉफिट का जो भी परसेंट देगा, और फिर वो अपना क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस. सपोज इसमें प्रॉफिट, याद रखना ये जो प्रॉफिट वाला जो कॉलम दिया है, इसमें कभी कभी प्रॉफिट को ये बोल देगा कि ये परसेंट में देगा, कभी कभी याद रखना. तो जब अगर ये परसेंट में देता है तो ये कभी कभी टोटल कॉस्ट पे भी देगा. तो टोटल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, याद रखना. अगर प्रॉफिट बोलता है ऑन टोटल कॉस्ट, मींस किस पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही अपना टोटल कॉस्ट कहलाएगी. या फिर कभी कभी ये भी बोल सकता है कि ये प्रॉफिट निकालो ऑन सेल्स स्लैश ऑन सेल्स. तो यहाँ पे सेल्स का मतलब सेलिंग प्राइस से होगा. गलती से भी ये जो सेल्स मैंने लिखा है, इसको ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मत समझना. आ रहा है समझ में? या फिर ये क्लियर कर देगा या फिर सेलिंग प्राइस. देखो बेटा, अगर टोटल कॉस्ट या ऑन सेल्स पे बोलता है तो टोटल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, ये होती है ना अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आया. इट मींस ये कॉस्ट जो लिखा है, ये क्या है, कॉस्ट. ये टोटल कॉस्ट हुई. ये जो कॉस्ट की बात हो रही है, देखो सिंपल सा एक फंडा याद रखो. देखो कुछ ऊपर लिख रही हूँ मैं, एकदम बेसिक चीजें फॉलो करना. जब अपन कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है, बताओ? सेलिंग प्राइस. यस मैम, है ना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट. कोई न्यू कॉन्सेप्ट है क्या ये? ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, नहीं ना? तो वही समझो. तो ये यहाँ पे देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, इट मींस व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है ना? ये समझ में आया? इसको कभी भी सेलिंग कॉस्ट मत समझना, इसमें ऑफ सेल्स करके लिख दिया है तो. याद रखना ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस व्हाट, कॉस्ट प्राइस या फिर टोटल कॉस्ट. क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है, दूसरा चीज समझो. अब अगर क्वेश्चन में कभी बोलता है प्रॉफिट का परसेंटेज, तो ऑन टोटल कॉस्ट बोलता है तो ये टोटल कॉस्ट में निकालोगे सपोज 50,000 पे. या फिर कभी बोलता है कि प्रॉफिट हमको सेलिंग प्राइस का 10% चाहिए. क्या बोला मैंने? प्रॉफिट हमको सेलिंग प्राइस का क्या चाहिए? 10%. 10%. अब देखो सेलिंग प्राइस है क्या अपने पास? नहीं है. तो हम सेलिंग प्राइस को क्या एज्यूम करते हैं? एक्स कर सकते हैं. अब प्रॉफिट क्या बोला है, देखो 10% बोला है, तो x का 10% कितना हो जाएगा? या फिर अगर आप लोग सपोज x नहीं समझ के सेलिंग प्राइस को 100 समझो, है ना, तो प्रॉफिट अगर 10% बोला है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 होगा. तो अपनी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? देखो क्या होगी कॉस्ट प्राइस, 90 होगी, बताओ. सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे ना बेटा, कंफ्यूजन है कुछ, बताओ. नो मैम.
ठीक, तो देखो ये जो कॉस्ट प्राइस आएगी है ना, तो जब भी अगर आपको परसेंटेज ऑन उस पे निकालने बोले तो आप लोग कैसे निकालोगे? देखो इसका एक फॉर्मूला रेडी हो रहा है ना यहाँ पे, नोटिस करना चीजों को। अगर मैंने 10 माइनस किया तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई अपनी? 90 हो गई। और कॉस्ट प्राइस अपने को क्या दिया है? 50,000। तो 50,000 को डिवाइड करना किससे? 0.90 से। चलो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, 50,000 को 0.90 से डिवाइड करके बताओ जल्दी से। कितना आया? 55,555.555। तो ये जो भी आएगा ये अपना क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस, याद रखना हमेशा। तो जब भी आपको ऑन सेलिंग प्राइस निकालने बोले कि 10% ऑफ सेलिंग प्राइस या 50% ऑफ सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकालने बोले तो आप लोग क्या करना, कॉस्ट को डिवाइड कर देना। अगर 10% बोला है तो 0.90 करना, 20% बोलेगा तो 0.80, ठीक है?